हड़ताल के बाद जैसे ही तहसीलदार कार्यालय में कामकाज होने लगा तो अब लोगों के लिए नई मुसीबत पैदा हो गई है। शहर के लोगों ने आरोप लगाया कि तहसीलदार कार्यालय में बिना पैसे कोई काम नहीं होता। तहसीलदार रजिस्ट्री करने की एवज में मोटी रकम वसूल कर रहे हैं। अगर कोई पैसा नहीं देता तो उसका काम नहीं हो रहा। इसीलिए उन्होंने धरना देकर पंजाब सरकार से मांग की है कि लोगों को लूटने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर मानसा तहसील में लोगों की लूट बंद नहीं हुई तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर देंगे। लोगों ने चेतावनी दी कि अगर संबंधित अधिकारी ने लोगों को परेशान करना बंद नहीं किया तो वे उसे कुर्सी पर बैठने नहीं देंगे। दूसरी ओर SDM मानसा ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। देखो जी, इन्होंने 2.5 महीने तो है जिड़िया रजिस्ट्रियां बंद कर रखी ने। रजिस्ट्रियां का यह हाल हैगा भी है, बिना रुपया तो बगैर कोई काम नहीं हो रहा, चाहे पिंड की रजिस्ट्री है चाहे शहर की रजिस्ट्री है। जेडे हुण शहर के प्रॉपर्टियां रजिस्ट्रियां के काम ने सवा 2 महीने तो खड़े ने, क्योंकि मुलाजम जोड़ा है दिन पर दिन हावी हो रहा है। ये लोग कहने भी अभी 25-25 लाख रुपया दे के लगे हाँ, यदा मतलब तो यह हो गया भी ये उड़ीक रहे ने भी जोड़ा कोर्ट टैम कैग है लगन वाला 15-20 दिन तक भी असं आपकी मनमर्जी के नाल अड़ा अड़ा के जोड़े पैसे इन लोगों तो लवेंगे। पर असं इतने इनू चैलेंज करते हैं भी चाहे तो सरकार इनू इतों नाल फसले नहीं, जड़िया रजिस्ट्रियां है चालू करे। जे रजिस्ट्रियां पैसे एवं जोकर लूगा तो यदा जोड़ा हशर है बहुत माड़ा होगा, तो असं इनू कुटन तो भी जोड़ा है ग्रेज नहीं करा यह करप्ट अफसर, तो इन्हों चैलेंज भी करते हैं भी जी तुम है करप्शन लैनी बंद कर दो। लोग जोड़े है जागे ने हूँ, लोग पार्टियां तो उपर उठ के जोड़े है यह करप्ट अफसर अफसर बख्शन नहीं।